हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए ब्लश और आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए और कैसे नहीं अप्लाई करना चाहिए तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो ब्लश अप्लाई करने के लिए हमें एक चाहिए एक फ्लफी ब्रश जो बहुत ही मतलब ज्यादा बड़ा भी ना हो कि बिल्कुल पैच ही लगे और बहुत ही ज्यादा छोटा भी ना हो कि ब्लश लग ना पाए तो हमें थोड़ा सा मीडियम साइज में फ्लफी ब्रश लेना है ब्लश के लिए तो ये ऐसे इस टाइप का होना चाहिए ब्लश ब्रश तो ये मेरा ब्लश ब्रश है एंड ब्लश के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का मिनी ब्लश पैलेट सो so ये इन द शेड माव मार्वल है जीरो थ्री तो दिस इज द शेड सो आज मैं यही अप्लाई करूंगी एंड uh, मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि अगर आपका राउंड फेस है तो uh, आप यहां पर अप्लाई करें इस साइड में अप्लाई करें ठीक है अगर आपका बहुत ही ज्यादा uh, मतलब बहुत ही ज्यादा स्क्वायर में है फेस तो आप ब्लश को आप ब्लश और जो कॉन्टोरिंग करते हैं एंड ये जो बोन होती है तो उसके ऊपर आप अप्लाई करें अपने ब्लश को अगर आपका बहुत ज्यादा छोटा है ठीक है बहुत ज्यादा पतला है अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी अपना फेस दिखाना है तो एप्पल ऑफ चीक्स जो होता है यहाँ पर हमारी जो बोन होती है उससे अप्लाई करते हुए यहाँ तक लेके जाए तो ब्लश को ऐसे अप्लाई करना चाहिए ये नहीं कि अगर आपका कोई भी शेप है तो आपने बस यहाँ से अप्लाई किया और ऐसे छोड़ दिया तो ऐसा कोई भी सेंस नहीं बनता है मेकअप वो होता है जो अपनी ब्यूटी को एनहैंस करे ये नहीं कि आ, आपके जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगे अप्लाई करने के बाद सो तो, मैं यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक का ब्लश ले रही हूं और आपको बताऊंगी कि जो मेरा फेस शेप है उस पर कैसे मैं अप्लाई करती हूँ ब्लश को तो यहां पर मैं लूंगी और एक्सेस जो है वो ऐसे टैप रिमूव कर दूंगी और ये मैं ले रही हूं एंड ऐसे मैं अप्लाई करूंगी जिससे मेरा फेस बहुत ज्यादा ब्रॉड ना लगे इसलिए मैं यहां पर अप्लाई करूंगी यहां से नहीं लेके जाना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा जोकर वाला फेस लगता है तो ऐसे अप्लाई करना है इस कॉन्टोर के ऊपर अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं डिफरेंस की बहुत ही ज्यादा मेरा जो फेस है वो बहुत ज्यादा राउंड में नहीं लग रहा है और बहुत ही ज्यादा बैलेंस लग रहा है ब्लश लगाने के बाद तो आपको ब्लश ऐसे अप्लाई करना है अपना अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग तो मेरा जो ब्लश है वो अप्लाई हो गया है हमेशा आप ध्यान रखें कि अगर जब भी आप अप्लाई करें अगर ब्लश अप्लाई करते हैं तो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही ब्लश को अप्लाई करें तो ही फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है अगर आपका बहुत ही ज्यादा छोटा फेस है तो आप मतलब उसको बड़ा दिखाने के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं मतलब यहां से स्टार्ट नहीं करना है ब्लश को ब्लश को हमेशा यहां से स्टार्ट करना है तो यहां से बिल्कुल भी नहीं लेके जाए अगर आपको बहुत ही ज्यादा फुलर अपना लुक दिखाना है और बहुत ही ज्यादा आपका छोटा सा फेस है तो आपको यहां से अप्लाई करना है और यहाँ तक लेके जाना है सो या गाइज आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी ब्लश uh, कैसे अप्लाई करते हैं सो आई होप ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रही होगी आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो so, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेकर बाय बाय